जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। नवरात्र में माता रानी के नौ रूपों का पूजन किया जाता है और नौ रूपों के पूजन में नौ प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस रूप को यानी माता रानी के कौन से रूप को कौन सा भोग लगाया जाता है और इसके लगाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। पहले मैं आपको अपना मत बताता हूँ। मेरा मत यह है कि भगवान को या माता रानी को आप कोई सा भी भोग लगा दीजिए, जो आपके घर में उपलब्ध है उसी का भोग लगा दीजिए, माता रानी उसी को ग्रहण कर लेगी। इसमें कोई नहीं है कि नहीं आपको यही भोग लगाना जरूरी है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में की माने या हमारे शास्त्रों की माने तो उसमें प्रत्येक देवी माँ के रूप को अलग अलग भोग लगाया जाता है। और हम क्योंकि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो हमें हमारे शास्त्रों को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होते और हम लोग शास्त्र से बड़े तो हैं नहीं। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको आकर्षण शक्ति यानी आपके अंदर आकर्षण बढ़े, आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़े, उसके लिए कौन सा भोग लगाना चाहिए, या आपको अगर मान लीजिए कि कोई परीक्षा पास करना है यानी सफलता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, या आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, तो कौन से रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए, ये भी आपको इस दौरान में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो नवरात्र का पहला दिन होता है शैलपुत्री का। तो इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से मनुष्य को आरोग्यता का वरदान मिलता है तथा सभी परेशानी दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी मैया का यानी माता ब्रह्मचारिणी का। तो इस दिन अगर आप देवी माँ को शक्कर का भोग लगाते हैं तो उनकी आयु में वृद्धि होती है। उनकी आयु मतलब जो भोग लगाते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है और मनुष्य दीर्घायु होता है यानी उसकी आयु लंबी होती है। इसके बाद उस शक्कर रूपी जो प्रसाद है यानी कि जो आपने भोग लगाया है वो परिवार के अन्य सदस्यों में भी बांट देना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे रूप की। माता का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। इस दिन देवी माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर इस भोग को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं माँ के चौथे रूप की, जो कि है कुष्मांडा रूप। तो इस दिन देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है तथा साथ ही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। और जो स्टूडेंट इस भोग को लगाते हैं इस दिन तो उनको परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। चलिए बात करते हैं पांचवे रूप की। माँ का जो पांचवा रूप है वो है स्कंद माता। इस दिन देवी माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छा स्वास्थ्य तथा निरोगी काया की प्राप्ति होती है। बात करते हैं छठे रूप की। माँ का छठा रूप है कात्यायनी। इस दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में अत्यंत वृद्धि होती है तथा सम्मोहन शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो जो मनुष्य अपनी सम्मोहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ऐसे लोग माँ के छठे रूप यानी कात्यायनी रूप को शहद का भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं माँ के सातवें रूप की। तो माँ का सातवां रूप है कालरात्रि। तो इस दिन देवी माँ को गुड़ का या गुड़ से बनी वस्तु का भोग लगाना चाहिए, फिर इस भोग को ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इससे मनुष्य को दुर्घटना, शोक तथा आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। हम बात करते हैं माँ के आठवें रूप की, जो कि है महागौरी रूप। तो इस दिन देवी माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल का दान भी करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य को आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मतलब वो लोग जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या जिनकी संतानें उनके हिसाब से नहीं है, मतलब वो उनके आज्ञाकारी नहीं है, तो माँ के आठवें रूप यानी कि महागौरी रूप को अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं, नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं और नारियल का दान भी करते हैं तो उनको आज्ञाकारी संतान की भी प्राप्ति होगी और संतान संबंधी किसी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो वो भी दूर होगी। चलिए लास्ट में बात करते हैं माँ के नवे रूप यानी सिद्ध धात्री रूप। इस दिन देवी माँ को
तिल या तिल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए और फिर ये भोग ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे मृत्यु के डर से राहत मिलती है तथा साथ ही अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होता है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि नवरात्र के 9 दिन में 9 ही रूपों को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यही भोग लगाएं, आप कोई सा भी भोग लगा सकते हो। और सबसे अच्छा भोग मैं आपको बताता हूँ, बताशा और लौंग। अगर कुछ भी ना मिले तो आप बताशा और लौंग का भोग तो लगा ही सकते हैं। अगर आप इसी का ही भोग डेली लगाते हैं तो माँ इसको भी उसी तरह से ग्रहण करेगी जिससे आप दूसरे भोग लगाते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।